सो हाय गाइस, इंडिया हार चुकी है पाकिस्तान से, 10 विकेट से हार चुकी है। अब मैं क्या ही बता रहा हूँ आपको, आपको सबको पता ही होगा यार, बट मैं क्या ही कहूँ यार, लिटरली जैसे उनकी जो इनिंग्स थी नॉट आउट गई, वैसे मेरी जो गट फीलिंग, मैंने बोली थी कि इंडिया ये मैच हार सकती है, और वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, इंडिया हार चुकी है मैच, बट इतनी बुरी तरीके से हारेगी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। जो इंडिया की आज की बॉलिंग थी यार, मतलब क्या ही कहूँ यार, मतलब शुरुआत में तो फिर भी अच्छी थी यार, जितना मुझे याद आ रहा है 8-9 ओवर में ज़्यादा 50 रन ही थे, बॉल टू बॉल चल रहा था, बट उसके बाद जो उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड की यार, बाबर आजम और रिजवान ने, मतलब क्या ही कहूँ यार, दया मुझे तो लगता है अभी खासकर रिजवान, मुझे रिजवान को बहुत अंडररेट करते हैं लोग, बट अभी आपने देख ही लिया होगा यार कैसे खेलता है वो बंदा, और बाबर आजम की तो मैं क्या क्या ही बात करूँ, वो तो क्लास बनता है, मतलब क्या ही, मतलब मुझे तो लिटरली अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हम 10 विकेट से हार चुके हैं। ठीक है यार, 6-7, 3-4, कम से कम 2-3 विकेट तो ले लेते हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ लिटरली, ये डाइजेस्ट करना एज ए इंडियन फैन थोड़ा मुश्किल है, पर चलो ठीक है, हार जीत होती रहती है। देखो मुझे इंडिया हार गई उससे कोई मतलब नहीं है, अगर कोई राइवलरी चलती है तो मुझे लगता है अगर इंडिया सिर्फ जीतते जाएगी उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं यार, अगर कभी उन लोग जीते, कभी हम लोग जीते, कभी उन लोग हारे, कभी हम लोग हारे, तो ऐसा चलते रहना चाहिए यार। तो चलो ठीक है, एक मैच हम हार गए, बट सबसे पहली बात यार, मुझे एक जो मैं ये वीडियो बनना तो रहा हूँ, बट मैं वो बात भूलना चाहूँ, वो मुझे कहने हार्दिक पांड्या की इंजुरी, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि वो बैटिंग करते समय अपना फिर हाथ पकड़ रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर वो बंदा फिट नहीं है तो क्यों खिला रहे हो यार, मतलब क्यों ही खिला रहे हो, मतलब देखो उसके लिए भी वो खतरा है, और मतलब उनके लिए भी खतरा है, और इंडिया की टीम के लिए भी वो अच्छा नहीं है यार, हार्दिक पांड्या का भी फ्यूचर उससे खराब हो सकता है अगर इंजुरी ज़्यादा बढ़ गई तो, और इंडिया को तो वैसा ही नुकसान है, इंजर प्लेयर को कैसे खिला सकते हो यार, मतलब मैं क्या ही कहूँ, उसकी जगह किसी को एक शार्दुल ठाकुर को ले लाओ, अगर आपको बैट्समैन ही चाहिए तो आपके पास ईशान किशन बैठा है, या फिर श्रेयस अय्यर को आप बाहर से अंदर ला सकते हो, तो कुछ तो करो यार, तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और खासकर यार भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग, मतलब अब तो मुझे लगता है कि मैं शायद से गलत था, मैंने जो बोला था कि भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए थे टीम में, और वो ही है, बट मुझे लगता है नहीं यार, अभी शार्दुल ठाकुर की हमें को ज़रूरत है। ठीक है, वो शुरुआत में बॉलिंग में मैं एक रिस्क ले लूँगा कि मैं शार्दुल ठाकुर से एक आध ओवर उनसे निकालवा दूंगा, एक आध ओवर में शमी तो बहुत अच्छे बॉलर है, ठीक है आज उनका दिन नहीं था, वो तो मतलब क्या ही गुरु, आज तो पूरे बॉलर में से किसी का भी दिन नहीं था, वरुण चक्रवर्ती शुरुआत की ओर अच्छे डाले थे, बट उसके बाद उन्होंने मतलब उनका ओवरऑल स्पेल तो खराब ही रहा। अगर मैं रविंद्र जडेजा की बात करूँ, उनका भी मतलब ठीक ठाक ही था, 6-7 का एवरेज है, 4 ओवर में 28 रन, विकेट उन्होंने भी नहीं ली, बट चलो उनका भी ठीक ठाक सा ही बॉलिंग था, इतनी मुझे कोई खास उनकी भी वो बॉलिंग नहीं लगी, बट चलो ठीक है, एग्जेस्टेबल उनका जो काम था उन्होंने कंट्रोल दिया था, बट विकेट मिल ही नहीं रहे थे, ना वरुण चक्रवर्ती को मिले, ना बुमराह को मिले, एक समय जब मैच फंसा हुआ था, जब बुमराह को हाथ में बॉल थी, बट उसी ओवर में बुमराह को भी मार पड़ गई, तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब आज हमारे हक में कुछ भी नहीं गया यार, और उनकी जो बैटिंग, मैंने कहा क्या, मतलब क्या ही कहूँ, और अगर हम अपनी बैटिंग की बात करें तो मैं क्या ही बोलूँ, जैसे मैंने बोला था यार, ये हमको एक दिक्कत हो सकती है, जो मैं बात प्रीव्यू में करता हूँ ना यार, मुझे थोड़ा तब लगता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट वो इवेंचुअली बात सच हो ही जाती है यार, वो आपने देखा होगा जैसे मैंने बोला था प्रीव्यू में, कि अगर इंडिया के विकेट गिर जाते उसके बाद क्या, देखो विराट कोहली रन बनाए, ही इज़ अ बेस्ट बैट्समैन, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अपना क्लास दिखाया, बट मेरे ख्याल से उनके 10-15 रन शॉट थे, ऐसा मुझे लगा, 116 की रन रेट, ठीक है, मतलब देखो वो बॉल खेले उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, बट मुझे लगता है यही अगर 67 रन होते उनके, 72 रन होते, अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूँ, उन्होंने अगर एक 50-60 रन मारे होते तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होता, 150 से अगर हम 170-180 के आसपास होते तो वो पाकिस्तान के प्लेयर को प्रेशर भी होता, बट अभी क्या ही कहे यार, अगर हम क्या कहते हैं पावर प्ले में उनकी विकेट ले लेते तो भी अच्छी बात होती, बट चलो अरबर मेरे ख्याल से मुझे लगता है बैटिंग ने ज़्यादा किया है, डिसअपॉइंट बॉलिंग का भी था, बट यार मुझे लगता है जैसे पिच मुझे दिख रही थी, और मेरे देखो यार मुझे तो लगा कहना पड़ेगा बाबर आजम और रिजवान में ऐसा मुझे तो एक भी बार नहीं लगा कि वो आउट हो सकता है, तो मैं इतना बॉलर को कुछ कहूँगा नहीं,
और इंडिया के बैट्समैन मतलब जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल डाली है रोहित शर्मा को, केएल राहुल को अनप्लेएबल बॉल डाली थी। बाद में उन्होंने विराट कोहली को भी जो बॉल डाला था स्लोअर बाउंसर वो भी बहुत अच्छा था। फिर जो सूर्य कुमार यादव आउट है, सूर्य कुमार के बारे में मुझे एक बात कहनी यार, वो बहुत अच्छे प्लेयर है बट उनको अपने शॉट्स को रोकना पड़ेगा यार। वो हमेशा अपने अच्छे मतलब वो शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ, वो एक हमको मुझे लगता है कि बात थोड़ी हो गई हमसे गड़बड़। और हार्दिक पांड्या फिर से फिनिश नहीं कर पाए, और रविंद्र जडेजा ने भी कुछ खास नहीं किया बैटिंग में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लिटरली यार मतलब आप देखा होगा कोई मुझे मतलब खास इतना कुछ बात करने लगा मज़ा ही नहीं आया। मतलब 10 विकेट से कैसे हार सकते हैं मैं वही सोच के मुझे भी ये नहीं हो रहा है। पर चलो ठीक है यार, एक आधा बैड डे आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कमज़ोर टीम है, इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है। अब एक चीज़ हमारे जो हक में है कि अभी हमारे पास 7 दिन का एक ब्रेक है, अब अगला मैच हमारा डायरेक्ट संडे को होगा जो कि 31 को, उसी बीच में अब हम पाकिस्तान के 2 मैच और होंगे तो उनको हम देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का जो मैच होगा पाकिस्तान के साथ वो मैच देख सकते हैं, तो हम थोड़ा उस मैच से सीख सकते हैं कि हम क्या न्यूजीलैंड की तरफ ये करें, क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, कौन कौन से प्लेयर को हमें अंदर लाना चाहिए। अगर मेरी मानो तो जितना मुझे लगता है कि अभी शार्दुल ठाकुर, अभी मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार की जगह उनको लाना चाहिए, और एक हार्दिक पांड्या पे कुछ ना कुछ तो कॉल लेना चाहिए। अब मुझे लगता है अगर मैं होता तो हार्दिक पांड्या की जगह अश्विन को लाता, या फिर अश्विन और कोई आ ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। ईशान किशन बहुत सारे लोग कहेंगे बट मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन, मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा सिक्स बॉलर, और वो भी आज वो भी एक पॉइंट में बोलना भूल गया, सिक्स बॉलर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आज हमें समझ में आ ही चुका होगा। जैसे देख रहे थे वो सिक्स बॉलर एक इंपॉर्टेंट होता है यार, अगर खासकर जैसे पहले हमारे पास केदार थे, केदार जाधव जैसे उनके हाथ में बॉल थी वो विकेट लेके देते थे, या फिर एक साइड से प्रेशर निकालने का कराते थे। इवन सुरेश रैना थे हमारे पास, युवराज सिंह को तो मैं नहीं कहूंगा पार्ट टाइम बॉलर, पर मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा कोई तो बॉलर चाहिए जो सिक्स एज अ बॉलर बॉलिंग कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी अश्विन को खिला लो यार हार्दिक पांड्या की जगह, और थोड़ा रविंद्र जडेजा के ऊपर ट्रस्ट करो, जैसे आज आपने उनको ऊपर भेजा, और फिर आपके पास शार्दुल ठाकुर भी है वो भी ठीक ठाक कर देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि अभी हार्दिक पांड्या को अगर वो इंजर्ड ऐसा ही है, अगर इंजरी है उनको तो प्लीज़ यार बाहर बिठाओ और अश्विन को लेके आओ, या फिर अभी भी सिक्स ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन तो हमें चाहिए, बस उसकी नीड तो है हमें वो दिख रहा है यार। तो बस यार इतना रखता है आज के लिए, मैं क्या ही कहूँ। वैसे हमें ऐसे मतलब लिटरली यार मुझे तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच बोलूँ तो। एक और मैंने तो पूरा मैच देखा लिटरली, जो पाकिस्तान की बैटिंग थी मुझे लगा था कि अभी आउट हो जाएंगे बिकॉज मुझे पता था अगर उनके 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो एक कुछ हो सकता है, एक उम्मीद हो सकती है। अगर रिजवान, फ़खर जमान और बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो शायद से कुछ हो सकता है। बट वही मतलब उसी सोच में उनका विकेट ही नहीं गिरा, और आज अभी आपके सामने रिजल्ट है। तो चलो ठीक है यार, ठीक है, कुछ इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। होप करते हैं कि न्यूजीलैंड वाला मैच जीत जाए, अगर वो भी हम हार जाते तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, हमारा वर्ल्ड कप का यह अभियान अभी ख़त्म हो जाएगा। बट ये एक हार से और एक बात हुई है, अब आगे आने वाले मैचेस अब हार नहीं सकते। जो अफगानिस्तान के साथ मैच होगा वो भी ट्रिकी मैच हो सकता है, न्यूजीलैंड के मैच हो सकता है वो भी ट्रिकी हो सकता है, मैं तो कहता हूँ स्कॉटलैंड के साथ मैच होगा वो भी ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज आप नहीं कह सकते यार, बिकॉज इस बार तो और जैसे मैंने बोला था श्रीलंका उसके ऊपर ध्यान रखना, आज उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया है, तो वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ कि भाई साहब हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा यूनिक रिजल्ट हमें देखने मिले, तो ही तो यार वर्ल्ड कप का मजा होगा, वरना वही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया ये वो वैसा अगर वही जीतते रहेंगे तो क्या ही मजा आने वाला है। तो बस सर इतने रखते हैं आज की वीडियो के लिए, मैं क्या ही बोलूँ, ये मैं भी 3-4 बार बोल चुका हूँ, तो बस अभी इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट।